हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की इस वीडियो में इन आने वाले दिनों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन सॉल्यूशन। ये है इबा हलाल का फेस ग्लो रेंज, जिसमें है एक फेस ग्लो एक्सफोलिएटिंग वॉश, एक ब्राइटनिंग फेस मास्क और एक फेस ग्लो ब्राइटनिंग क्रीम। ये फेस ग्लो रेंज बेजान और टैन स्किन पे निखार, ग्लो और रेडियंस वापस लाने में मदद करता है। ये शत प्रतिशत फल के एक्सट्रैक्ट से बना है, जिसमें मौजूद हैं अनार, अंगूर, अंजीर और खजूर। साथ ही साथ ये सल्फेट्स, पैराबेन्स और अल्कोहल जैसे हार्मफुल केमिकल से मुक्त है, तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे बेहद आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इबा के सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि आप जानते ही हैं, हलाल और पीटा सर्टिफाइड होते हैं, जो कि इन्हें वेजिटेरियन और क्रुएल्टी फ्री बनाता है। और हाँ, इससे पहले कि आप पूछने लग जाएं, एक सवाल जो आप सभी का रहता है कि इबा के ये प्रोडक्ट्स मिलते कहाँ हैं? तो आपके शहर में अगर कोई इबा सिलेक्ट स्टोर है तो वहाँ पे आप इबा के सारे प्रोडक्ट्स बेहद आसानी से पा सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका, स्नैपडील और शॉपक्लूज पे आप इबा के सारे प्रोडक्ट्स आसानी से परचेज कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए जरूर छोड़ूंगी। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे ये फेस ग्लो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी मैं अपने फिंगर्स पे स्कूप करके इसको अपने फेस पे किसी भी फेस वॉश की तरह मसाजिंग कर लूंगी। इस एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश में ब्राइटर पर्ल्स नामक एक्सफोलियंट्स हैं, जिन्हें जब आप अपने फेस के साथ रब करते हैं तो वो विटामिन ई ऑयल के पार्टिकल्स आपके स्किन पर रिलीज करते हैं। तो ये आपके स्किन की जो टैनिंग है, डलनेस है, उसको रिमूव करता है और साथ ही साथ स्किन को बहुत ही नरिश्ड और मॉइस्चराइज बनाता है। इसके कंपाउंड्स आपके चेहरे पे निखार लाने में मदद करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे फेस ग्लो ब्राइटनिंग मास्क की तरफ। तो मैंने अपने चेहरे को फेस वॉश के बाद हल्का डैम छोड़ दिया था। अब मैं अपने आई एरिया के अलावा इसको अपने बाकी पूरे फेस पे थिन लेयर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। तो जब आप इस फेस मास्क को लगाते हैं तो ये एक बहुत ही कूलिंग सी सेंसेशन आपके स्किन पे छोड़ता है और साथ ही साथ ये हल्का सा आपके स्किन पे टिंगल भी कर सकता है। तो उसका यही मतलब है कि जो ये ब्राइटनिंग मास्क है, ये आपके चेहरे पे काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस फेस ग्लो रेंज में चार अलग अलग फल के एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, तो ये जो ब्राइटनिंग फेस मास्क है, इसमें उसके अलावा पपाया का एक्सट्रैक्ट भी मौजूद है, जो कि स्किन की टैनिंग और डलनेस को दूर करने में मदद करता है। इसलिए जब आप इस फेस मास्क को पहली बार ही लगाएंगे तो आपको इंस्टेंटली एक ब्राइट और ग्लोइंग स्किन दिखेगी। जो फेस वॉश है उसका कॉस्ट था 110 rupees फॉर 100 ml और ये जो ब्राइटनिंग फेस मास्क है इसका कॉस्ट है 130 rupees फॉर 100 grams ऑफ प्रोडक्ट। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं हफ्ते में 2 बार इसका यूज करना आपको सजेस्ट करूंगी। और मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, इसे मैं 5 से 10 मिनट जब तक ये ड्राई ना हो जाए इसे अपने स्किन पे ऐसे ही छोड़ दूंगी और इसको फिर नॉर्मल टैप वाटर या लूक वार्म वाटर से वॉश कर लूंगी। और फाइनली हम इस रूटीन के थर्ड स्टेप पे चलेंगे। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी इबा हलाल के फेस ग्लो रेंज से इस ब्राइटनिंग क्रीम का। इसको आप डे एज वेल एज नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। तो मैंने फेस मास्क और फेस वॉश के बाद हल्का सा ऐसे अपने चेहरे पे पैट करके ऐसे अप्लाई कर लिया। ये जो फेस ब्राइटनिंग क्रीम है ये भी आपको ₹130 की 100 grams ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। आप चाहें तो इन तीनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग भी खरीद सकते हैं और इसका कॉम्बो भी आपको ₹370 का ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। एक बहुत ही मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग क्रीम है। एट द सेम टाइम ऑयली स्किन वाले भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।